प्रख्यात पर्यावरणविद और पद्म विभूषण स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा जी, जिनका जीवन पूरा देश हित, मानव हित, जनहित, जन कल्याण और तमाम कंदराओं में, पहाड़ी कंदराओं के स्वरोजगार से लेकर यहाँ के पर्यावरण के संरक्षण को लेकर, यहाँ के लोगों के अपने आजीविका को लेकर, जंगल बचाने को लेकर, महिलाओं के उत्थान को लेकर जो संघर्ष रहा है, उस संघर्ष का व्याख्यान आज सारा जग जानता है। बहुगुणा जी का देहांत हमारे लिए बहुत दुखदायी है। वो एक प्रेरणा स्रोत हैं, रहेंगे और उनकी जो दिखाए हुए रास्ते हैं, संभवतः हमारे लिए वही आशीर्वाद के रूप में हम उनको आगे लेके चलेंगे। बहुगुणा जी का हमेशा गंगा के प्रति बहुत प्रेम रहा है और यही कारण था कि उन्होंने जितनी बार भी अपने आंदोलन किए, वो गंगा के तट के निकट रहकर ही उन्होंने सारे आंदोलन किए और सारे जनसंघर्ष की लड़ाई लड़ी है। और मृत्यु से कुछ समय पहले जब हम आपस में बात भी कर रहे थे, तो यही इच्छा जाहिर विमला बहुगुणा जी ने बोली कि मेरे पति के अंतिम क्रिया कोई हो तो गंगा तट पे ही होनी चाहिए। और क्योंकि टिहरी बांध विरोधी आंदोलन, चिपको आंदोलन, तमाम शराब विरोधी आंदोलन, नशे के खिलाफ जो बड़ा जन आंदोलन चला है, वो सब उत्तरकाशी के गंगा तट से लेकर टिहरी की भागीरथी झील के, भागीरथी नदी के पास और तमाम गंगा घाटी के में लगातार होता रहा है। इसलिए जो उनका मन था, गंगा प्रति प्रेम था, वो उनकी मृत्यु के बाद भी भूलने लायक नहीं हो सकता था। इसलिए सब लोगों ने भी ये डिसाइड किया कि इनका जो अंतिम क्रियाएं होंगी वो सब गंगा तट के किनारे होगी। इसलिए उनकी जो दो कलश है, दो अस्थि कलश तैयार किए गए। एक अस्थि कलश जो है परिवार के सदस्यों द्वारा गंगोत्री में त्रिवेदी के बाद विसर्जन किया जाएगा, जहाँ उद्गम स्थल है गंगा का। और दूसरा जो अस्थि कलश है कि जो उनकी कर्मस्थली रही है, ठक्कर बाबा छात्रावास, जो उनके द्वारा बड़े योगदान से बनाया गया था। और दूसरा जो उनका आश्रम है, शिलार आश्रम, ये दोनों स्थान इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाते हैं कि वो उनके त्याग की एक बहुत बड़ी मिसाल है। और वो त्याग इस प्रकार है कि सन 1989 में जब टिहरी बांध विरोधी आंदोलन चल रहा था, तो सुंदरलाल बहुगुणा जी ने प्रण किया था कि मैं अपने घर यानी शिलारा आश्रम या ठक्कर बाबा छात्रावास में तभी जाऊँगा जब बांध का काम रुक जाएगा। दुर्भाग्यपूर्ण बांध का काम कभी नहीं रुका और सुंदरलाल जी ने तीन दशक तक किसी भी रूप में अपने घर के अंदर प्रवेश नहीं किया।